सीतापुर के गोंदला मऊ क्षेत्र के विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों तथा निजी विद्यालयों में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर ग्राम प्रधान सहित शिक्षक शिक्षिकाओं ने महापुरुषों की आरती उतारकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान प्राथमिक विद्यालय कोदिकापुर में निशुल्क शिक्षा दे रहे सुशील सोनकर की ग्राम प्रधान ने जमकर तारीफ की। बताते हैं कि उनकी पत्नी प्रीति देवी विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात हैं। इस दौरान वो भी विद्यालय में निशुल्क शिक्षा देकर बच्चों का भविष्य उज्जवल कर रहे हैं। उन्होंने इंग्लिश पढ़ाकर प्राइमरी स्तर के बच्चों को बेहतर बनाने की बात कही है। वहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ती सुमन देवी ने ही केंद्र पर पढ़ने वाले सभी बच्चों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर जागरूक किया। ग्राम प्रधान धर्मेंद्र माथुर ने भी अपने संबोधन में प्राथमिक शिक्षा को बेहतर ढंग से चलाने की अपील की। वहीं सरस्वती इंटर कॉलेज आश्रम में पहला गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। इंटर कॉलेज में 84 कोसी परिक्रमा की अध्यक्षता में गणतंत्र दिवस संपन्न हुआ। आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट संवाददाता सुनील आनंद के साथ। गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न जगहों में जो है अपने अपने तरीके से मनाया जा रहा है। हम आज मौजूद हैं सीतापुर जनपद के प्राथमिक विद्यालय कोदिकापुर में। आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर एक अनोखी पहल की जा रही है। हालांकि यहाँ पर जो एक शिक्षिका है उनके पति देव निशुल्क जो है यहाँ पर बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, इसकी ग्राम प्रधान ने तारीफ की है। हम उनसे जानेंगे। कैमरा पर्सन से कहूंगा तस्वीरें सामने दिखाए। यहाँ पर देखिए अभी जो है 26 जनवरी का प्रोग्राम संपन्न हो चुका है। कुछ बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हैं और जो निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं शिक्षक प्रधानाध्यापक भी हैं यहाँ पर और ग्राम प्रधान भी हैं जो निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। मैं उनसे जानने का प्रयास करता हूँ कि कम दिनों में जो है किस तरीके से। सोनकर साहब आपका स्वागत है चैनल पर। किस तरीके से आपको कहाँ से ये प्रेरणा मिली कि यहाँ पर जो है आप इन बच्चों को पढ़ाएंगे? धन्यवाद सर। जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम सुशील सोनकर है और मेरी वाइफ प्रीति सोनकर जो कि यहाँ पे असिस्टेंट टीचर है। इसके पहले हम दोनों लोग एक CBSE बोर्ड में पढ़ा रहे थे और हमने यहाँ जब यहाँ पढ़ाया 2 साल पहले तो देखा कि स्कूल की जो इंग्लिश स्पीकिंग है बहुत ही वीक है, क्योंकि ये मैं खुद प्राइमरी में पढ़ा हूँ और वहाँ पे इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती थी। इसलिए मैंने एक दिन बच्चों को यहाँ पे टेस्ट ले रहा था क्लास 5th में, तो देखा मैं उनसे कुछ लेटर लिखवा रहा था, वो बच्चे लिख नहीं पा रहे थे, तो हमने सोचा पहले उनको इंग्लिश लिखना सिखाएं। इंग्लिश लिखने साथ साथ में उनको स्पीकिंग वगैरह माइसेल्फ क्योंकि जो चाहिए कि नॉर्मल होता है जो क्लास में लगा है कि संडे मंडे जनवरी फरवरी वो उनको नहीं आ रहा है। मान लो मैंने ये सोचा कि अगर कोई अधिकारी आता है तो पहले पूछता है सबसे पहले कि तुम्हारा इसमें क्या है, हमने कहा कम से कम वही पढ़ लो आप, वो भी नहीं उनको आ रहा, तो मैंने उनको ये सब सिखाया। उसके बाद आज एग्जाम्पल है कि जो नर्सरी गए PG यहाँ पे कुछ बच्चे मेरे साथ हैं नर्सरी PG में जो है उनको कुछ नहीं आता था, आज वो बच्चे इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हैं, माइसेल्फ वगैरह है, बॉडी वर्ड्स वगैरह है, संडे मंडे जनवरी फरवरी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। एक बच्चा जो है सामने आप निकालिए जो जानता हो इंग्लिश वर्डों में बात करेगा, क्या बताना चाहेगा? अनुराधा, क्या नाम है बेटा आपका? क्या नाम है आपका? अनुराधा, अनुराधा ये बताइए शरीर में कितने अंग होते हैं? बाल को, दांत को, नाक को और हाथ को, उंगली को क्या क्या कहते हैं? अच्छा ये सब किसने सिखाया आपको? किसने सिखाया बताना चाहेंगे? कौन से सर ने सिखाया? यहाँ पर है, मौजूद है, किसने बताया, किसने पढ़ाया आपको? नाम पता नहीं। सुशील सर। अच्छा सुशील सर ने पढ़ाया है। कुछ और बच्चे हैं हमारे साथ में जो है क्या नाम है बेटा? अनिका। अनिका क्या बताना चाहोगी? बड़ी बात बता दो। बड़ी बात बताओ। बताइए। हेड, फोरहेड, आईब्रो, आईज, देखिए ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं, इनको